हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अयर यूट्यूब चैनल वंडल ऑफ लर्निंग आज की वीडियो में मैं आपसे क्लास वन के बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रही हूँ सो so, अभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं तो अगर आप अपने बच्चे को फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे कुछ प्रपोजिशन दिए गए हैं पिक्चर्स को देखना है और करेक्ट प्रपोजिशन को फिल करना है सो देखिए फर्स्ट इज द बर्ड इज डैश द बॉक्स अब देखें बर्ड कहाँ है ये बॉक्स के ऊपर है सो करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे हो जाएगा ऑन सो यहाँ पे आ जाएगा ऑन द कैट इज डैश द बॉक्स कैट इस बॉक्स के सामने है फ्रंट में है तो यहाँ आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज द बॉल इज डैश द टेबल बॉल टेबल के नीचे है और नीचे के लिए आएगा यहाँ पे अंडर नेक्स्ट इज द माउस इज डैश द ट्री माउस जो है वो ट्री के पास में है सो यहाँ आ जाएगा द माउस इज नियर द ट्री नेक्स्ट वन इज मैंगो इज डैश द बास्केट मैंगो बास्केट के अंदर है सो so, यहाँ आ जाएगा इन मैंगो इज इन द बास्केट और नेक्स्ट इज सर्कल द नाउन एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए इन स्टेटमेंट के अंदर जो नाउन है उसको सर्कल करना है और जो एडजेक्टिव है उसको अंडरलाइन करना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास द फ्रूट्स आर फ्रेश फ्रूट्स यहाँ पे नाउन है और फ्रेश जो तो है वो एडजेक्टिव है तो फ्रूट्स को हम नाउन को हम सर्कल करेंगे और फ्रेश को हम करेंगे अंडरलाइन नो नेक्स्ट इज आई हैव अ ब्लू कार सो इस स्टेटमेंट के अंदर कार जो है वो नाउन है थिंग है इसलिए ये क्या होगा नाउन और कैसी कार है एडजेक्टिव क्या होगा इसके अंदर ब्लू तो एडजेक्टिव हो जाएगा ब्लू नेक्स्ट वन इज देयर आर टू ट्रीज ट्रीज हो गया नाउन और एडजेक्टिव हो जाएगा टू नेक्स्ट इज योर सन इज स्मार्ट सन हो गया नाउन और स्मार्ट हो जाएगा एडजेक्टिव नो नेक्स्ट इज दिस हाउस इज ब्यूटिफुल हाउस नाउन है और ब्यूटीफुल इज एजटिव नेक्स्ट इज मैच विद द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको उनके ऑपोजिट वर्ड के साथ में मैच करना है फर्स्ट वर्ड इज एम टी एम टी का ऑपोजिट हो जाएगा फुल सो एम टी को मैच करेंगे हम फुल के साथ में डिम डिम का हो जाएगा ब्राइट लाफ लाफ का ऑपोजिट वर्ड है क्राय फ्रंट का ऑपोजिट वर्ड इज बैक और वेट का ऑपोजिट वर्ड ड्राई द करेक्ट वर्ब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें करेक्ट वर्ब को चूज करना है उसको टिक करना है फर्स्ट इज दे इज एम आर प्लेइंग फुटबॉल देख के साथ में करेक्ट वर्ब आएगी आर दे आर प्लेइंग फुटबॉल सो इसको हम टिक करवा देंगे नेक्स्ट आई इज़ एम आर अ गुड प्लेयर आई के साथ में वर्ब यूज होगी एम आई एम अ गुड प्लेयर सेम वे टीना हैज़ हैव अ गोल्ड फिश टीना टीना के साथ होगा हैज़ टीना हैज़ अ गोल्ड फिश हैज़ हैव यू लॉस्ट योर लंच सो यू के साथ में कौन सी वर्ब यूज होगी हैव हैव यू लॉस्ट योर लंच नेक्स्ट वन इज

रमेश इज रीडिंग और वॉचिंग अ स्टोरी बुक स्टोरी बुक को रीड किया जाता है वॉच नहीं किया जाता है रमेश इज रीडिंग अ स्टोरी बुक फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है तो फर्स्ट इज हु इज मिस्टर शर्मा डैश इज़ माई डॉक्टर मिस्टर शर्मा सो मिस्टर शर्मा के लिए यहाँ पे क्या होगा ही इज़ माई डॉक्टर करेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा ही रोमा इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट डैश इज माई डॉटर तो डॉटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए शी रोमा इज अ ब्राइट स्टूडेंट शी इज माई डॉटर दिस इज माई न्यू ड्रेस डैश इज वेरी प्रिटी न्यू ड्रेस के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोणाम यूज होगा इट इट इज वेरी प्रिटी नेक्स्ट नेहा एंड आई हैड ब्रेकफर्स्ट डैश आर फ्रेंड्स नेहा एंड आई दो लोग हैं यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के लिए यहाँ पे यूज होगा वी वी आर फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस डैट दिस दोस दिस डैट दिस दोस हमें यहाँ पे फिल करवाने हैं सो देखिए फर्स्ट इज डैश आर स्टार्स यहाँ पे देखिए यह स्टार्स जो है वो हैंड की रेंज से दूर है स्टार तो so, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोज आर स्टार्स तो यहाँ पे फिल करवा देंगे दोज डैश इज अ फ्लार ये फ्लॉर पास में ही है सो तो ये हो जाएगा दिस इज अ फ्लार नेक्स्ट वन इज डैश इज अ फैन तो फैन देखिए हैंड है हैंड से दूर है फार है तो इसके लिए आ जाएगा डैट नेक्स्ट वॉट आर इसके लिए यूज होगा दोज वॉट आर दोज नेक्स्ट वन इज वॉट आर दीज़। so, ये था क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट और अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव पार्ट सो ये है क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट और इसमें फर्स्ट है रीड द कॉम्प्रीहेंशन एंड आंसर द फॉलोइंग यहाँ पे इस कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना है और इसी की बेस पे नीचे दे गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं सो चलिए रीड करते हैं जीजोस क्लास वेंट टू द स्कूल कार्निवल टूडे इट वॉज अ लॉट ऑफ फन Jijo won two prizes. He won a blue balloon and a toy car. He had a great time with all of his friends. First, he played a few games. Then, he got popcorn and lemonade with his friends. Finally, he got to watch a magic show. Jijo cannot wait to get home and tell his parents all about his fun day. कॉम्प्रीहन है और अब हम क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड जीजोस क्लास को इस क्वेश्चन का आंसर हम इस लाइन से दे सकते हैं so is, so का हम से दे सकते हैं जीजो वॉन्ट टू प्राइजेस ही वॉन्ट अ ब्लू बैलून एंड अ टॉय डिड ही डू फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट ही प्लेड अ फ्यू गेम्स नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड जीजो ईट एट द कार्निवल इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखवा सकते हैं जीजो एट पॉपकॉर्न एंड लेमोन नो नेक्स्ट इज राइट टू वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज इस पैसेज से कोई भी टू वर्ब्स को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लिखना है जैसे हम ये इस पैसेज की बात करें तो यहाँ पर वेंट एक वर्ब है इसी तरीके से ये होगी वॉर्न है प्लेड है तो ऐसे काफ़ी सारी वर्ब्स है यहाँ पे तो कोई भी टू वर्ब्स यहाँ पे लिखवानी है नेक्स्ट इज मेक सेंटेंस यहाँ पे टू वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं इनके सेंटेंस आप इस पैसेज से देख सकते हैं क्लास वन के फाइनल एग्जाम पेपर में कॉम्प्रीहशन वन और टू आते हैं एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं सो so ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करवानी है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्चर कॉम्पोजिशन सी द पिक्चर एंड राइट सेवन टू टेन सेंटेंसेज ऑन इट एक पिक्चर दी गई है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं पिक्चर को देखने हैं और इन वर्ड्स की हेल्प से सेवन टू टेन सेंटेंसेज यहाँ पे बनवाने हैं तो so, ये जो पिक्चर कॉम्पोजिशन का जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में वन और टू क्वेश्चन आते हैं डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर कि किस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव राइटिंग राइट फाइव टू टेन सेंटेंसेज ऑन एनी वन टॉपिक यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं लाइक माई फेवरेट फेस्टिवल माई फेवरेट टॉय माई फेवरेट पेट माय स्कूल माय पेंसिल बॉक्स माय स्कूल बैग सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फाइव टू टेन सेंटेंसेस लिखने बच्चे को ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है एग्जाम के अंदर वन पिक्चर कॉम्पोजिशन आए वन क्रिएटिव राइटिंग आए या फिर हो सकता है कि टू पिक्चर कॉम्पोजिशन आए तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अपने बच्चे को प्रिपेयर करवाए हैं जो कि उसके एग्जाम सिलेबस में हैं इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं सो तो कुछ कॉमन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए तो ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे के स्कूल में कौन से टॉपिक्स पे क्रिएटिव राइटिंग करवाई गई है कौन से टॉपिक्स पे उनको पैराग्राफ या सेंटेंसेस करवाए गए हैं सो यहाँ पे आप वो प्रिपेयर करवा सकते हैं सो so, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने अपने बच्चे के एग्जाम सेलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है हो सकता है कि किसी स्कूल में कुछ टॉपिक्स जो है इसमें से न करवाए गए हों सो so, इस क्वेश्चन पेपर में से आप वो क्वेश्चन यूज कर सकते हैं जो भी आपके बच्चे के एग्जाम सेलेबस में दिए गए हैं और बाकी के क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं सो so, ये था हमारा आज का क्लास वन के लिए इंग्लिश एग्जाम क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हूँ वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग